बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी 35-36 साल फॉरेन सर्विस की ज़िंदगी में मैं बहुत से ममालिक में पोस्टेड रहा, लेकिन उनमें से 5 साल मैंने अफ़गानिस्तान में गुजारे। इन 5 साल में से 2 साल तो वो थे जो तालिबान के वक्त में कंधार में मैं पाकिस्तान का कौंसल जनरल था, और 3 साल वो जो 2014 से 2017 तक मैं काबुल में पाकिस्तान का सफ़ीर था। इन 5 सालों में अफ़गानिस्तान में मैंने क्या कुछ देखा, कितने दिलचस्प वाक़यात मेरे सामने पेश आए, इन सब तजरबात व मुशाहिदात की रोशनी में मैंने ये कोशिश की कि एक ऐसी किताब लिखी जाए जिसमें ये सब की सब चीज़ें रिकॉर्ड कर दी जाएं। चुनाचे ये किताब अफ़गानिस्तान मुल्ला उमर से अशरफ गनी तक इस तरह से वजूद में आई। इसमें बहुत से दिलचस्प वाक़यात हैं, ख़ास तौर पे तालिबान के ज़माने में। जैसे जब मैं वहाँ था, एक वाक़या ये है कि जब सऊदी शहज़ादा प्रिंस तुर्की अल-फैसल मुल्ला उमर से मिलने के लिए आया, और किसी बात पे मुल्ला उमर को शुबा हुआ कि उन्हें झूठा कहा जा रहा है, तो वो इतने शदीद गुस्से में आए कि उन्होंने जाके एक पानी की पूरी बाल्टी अपने सर पर उलट ली ताकि अपने आप को ठंडा किया जा सके। इसी तरह जब पाकिस्तान से एक डेलीगेशन यहाँ के वज़ीर दाखला मोइनुद्दीन हैदर साहब की सरकर्दगी में अफ़गानिस्तान गया ताकि तालिबान को बुद्धा के मुजस्मे तोड़ने से बाज रखा जाए, और उसमें उन्होंने क्या क्या दलाइल दिए और जवाब में तालिबान ने क्या क्या कहा। सिर्फ यही नहीं, फिर उसके बाद अफ़गान सदर हामिद कारज़ई के ज़माने में और उनके बाद जनाब अशरफ गनी के ज़माने में क्या क्या वाक़यात ऐसे हैं जो किसी भी सियासत या तारीख़ के तालिबे इल्म के लिए दिलचस्पी का बाइस हो सकते हैं, वो सब के सब इस किताब में मौजूद हैं। चुनाचे मैं इस किताब को उन सब लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा जो किसी भी तरीक़े से अफ़गानिस्तान में कोई दिलचस्पी रखते हों कि वो इसको पढ़ें। इसके ज़रिए से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात का पस मंज़र जानें, और इसके ज़रिए से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में दोनों बिरादर कौमों को नज़दीक करने में जो कोशिशें की जा सकती हैं उन पर अमल दरामद करें। बहुत शुक्रिया।